जी। तो मैं कुछ दिन के लिए मैं देवता लोक में तोला ले गेला होगा। बिल्कुल चल बेटा। देव राजेंद्र के साथ में बैठे और बैठ करके जब अर्जुन देवता लोक की ओर में जब चले और देव लोक में जब अर्जुन पहुँचिस ना 33 कोटि देवता जय हो इंद्र की बेटा अर्जुन की जय हो इंद्र की बेटा अर्जुन की। देव राजेंद्र बड़ा खुशी हो गए और बेटा ला साथ में लेके और जय जय की आवाज ला सुन के आज खुशी के मारे देव राजेंद्र बोले मातली आज मोर बेटा अर्जुन है और बड़ दिन में आए हवे और होते भाई खुशी काबर महतारी मन ला बेटी पर मैया रही थे बेटी आई थे तो खुश रही थे और बाप मन ला बेटा आते ना नौकरी लाए चाहे गाँव लाए बाप मन ला बड़ा खुशी होते मोर बेटा नौकरी ला गए। बिल्कुल अरे वही प्रकार के देव राजेंद्र बोले आज मोर बेटा अर्जुन है मातली यहाँ देवता के समाज में उर्वशी कुछ नाच गाना होना चाहिए। बिल्कुल उर्वशी ले जाके मातली बोले उर्वशी अरे अर्जुन देवता लोक में आए आप लोग नाच गाना करे बार देव राजेंद्र बुलावा थे। हाँ जी। तो उर्वशी कोई साधारण नारी नो है हाँ जी। देवता और राक्षस समुद्र मथन से निकाले उर्वशीला हाँ। आज वही उर्वशी देव राजेंद्र के पास में हमें आज वही उर्वशी ला जब आर्डर देवे तो उर्वशी है तन पा में पैरी आज नाक में नथली माथ में बिंदिया अरे सज धज के उर्वशी देवता के समाज में जब चलीस ना अर्जुन बैठे रहा उर्वशी देख के कहे दाई अतका दिन हो गए देवता लोक में आए बोला पर देवता मल्ला देख के मोर नजर नहीं झुकीस आज आवाज अर्जुन मैं तो लोक में अति सुंदर आज बहुत सुंदर है बेचारा एला पति बना लेते दाई पति के लायक है। बिल्कुल पति के लायक है दाई पति काला किथे पति हो अपन गोसैया ला पति कथे पहली मन पति कहे सत्यु त्रेता द्वापर युग में अपन मर्द ला ए पति देव ऐसे कहा है अब के मान तो पति के बल्ला जाते ता कैसे का थे हमार पड़ोसी हाथ अपन पति ले ये वो ऐसे की थे बोला वो की थे बोला वो की थे पर पति के बल्ला जाते तब अभी अभी सीखे है ये गुड्डुक पापा ऐसे की थे ता क्या है गुड्डुक मम्मी ऐसे की थे अब पापा मम्मी चलते वो अरे उर्वशी सोचे आज आज महु देवता लोक में अतका दिन हो गए देवता के सेवा का थोदाई पर कोई लम अपन पति नहीं माने हम आज आज अर्जुन पति मान लेते अर्जुन के सेवा कर लेते हो का बात माई लोग कत को पूजा करे पाठ करे पर पति के सेवा बिना नारी के जीवन अधूरा है। बिल्कुल भैया नारी धर्म रागी आज नारी मन के धर्म है आज भगवान राम 14 साल बाद जब वनवास गए तो सीता माता संग में पति के सेवा बरगी राजा हरिचंद्र राजपाट ला बेच के काशीपुरी में जब बेचाई तो साथ में तारा मती गिस आज पति के सेवा करे बर आज राजा नल है तन जुआ में सारी राजपाट ला हरिस तो साथ में नारी दवंतीन चले गए आज रागी आज। नारी मन के जीवन पति के चरण में है ये कही धर्म ये व्रत नेमा और काय वचन माने पति पद प्रेम। बिल्कुल पति के सेवा में ये नारी जीवन ला कल्याण है। बिल्कुल भैया आजकल के मन सेवा नहीं बजाए तब एक ही धर्म एक व्रत नेमा पर के पति संचले सिनेमा तैला तुलसीदास भुला गए हो तज रागी ये सोच के उर्वशी का थे दाई मैं अर्जुन ला पति मान लेते हूँ कहे। बिल्कुल नहीं रामा सिया रामा सिया रामा सिया Thank you.
और मन में पति अर्जुन बसा है बिल्कुल, और देवता लोक में 33 कोटि देवता अर्जुन तेर अस्त्र सिखावत है नाना प्रकार की शक्ति, और देवता मन अर्जुन धनुष विद्या सिखाते हैं, और मखड़ बाण त्रिशूल बाण चंद्रमा बाण नाना प्रकार के बाण अर्जुन सिखावे, और अर्जुन हाँ देवता लोक में देर अस्त्र सिखाते हैं, और ये दहर जंगल में धर्मराज नकुल सहदेव भीमसेन अर्जुन चारों भाई और द्रौपदी जंगल में समय बितावा थे रागी, फल फल हरे मिले तो खावे और नहीं मिले तो पांडव लांघर रहे, आज भुक्तो रे नर करम बिहारा और हरि को दोष मत देहु गवारा, पति के संग में द्रौपदी राज माता के रहने वाला राज घराना के चलने वाला, आज दर दर जंगल में द्रौपदी भटका थे रागी, हाँ जी समय बितावा थे, हाँ जी द्रौपदी के आदत रहे होत बिहलिया उठे और पहले नदी में गंगा स्नान बनावे, ओकर बाद में पति मनवर भोजन की तैयारी करे, हाँ जी आजकल के मन बिना नहाए चूल्हा में खुसर जाते, भैया जैसे जैसे समय आते तैसे तैसे काम करे लगते, और द्रौपदी बिहलिया उठे और नदी में नहाए बर चलत है वे, गंगा में नहा ले जमुना में बहुत सुंदर या अयहू एक ठनावा थे, और द्रौपदी पानी भीतर उतर गए और उतर के फूल लाए अमृत और अमर के ठन अपन कान में खोच ली, और कान में खोच के पानी के परछाई में द्रौपदी निहारिस, हां जी द्रौपदी कथे ई यहू कान पर एक ठन हो जाती या बहुत सुंदर दिखती सु बहुत सुंदर फपतिसिया, एक ठो कान है फूटवा हो गए वा फूट, पर कोई बात नहीं और मोर पति मन हा वीर है, एक ठन फूल लाए पर कहूं त मोर पति मन हा कमी नहीं करे, बिल्कुल नहीं एक ठन मिल गए तो कोई बात नहीं, एक के ठला कान में खोज लेता हूं, और काबार माई लोगन मन हिज गहिन होथन बहुत जल्दी तुमन लना कोनो कहीं देखे ही नहीं, आई फलानी हाँ एक तोला सोना पहिरे मोहन पहिरा देवे का हो ही वो गुड्डू बाबू, और चल तो फलानी मर गए तो का सने महू मर जहू नहीं कहा है, नहीं कहा है नहीं कहा है तिही नहीं कहा है ताजी, माई लोग मतलब पहिरे ओढ़े का बढ़ ही जगा, बिल्कुल भैया वैसे द्रौपदी कहे एक ठन फूल हवे दाई पर एक ठन फूल पर मोर पति मन कमी नहीं करे, आज मैं नहा जाऊं मोर पति मतलब मंगा हो तो एक ठन फूल जरूर नहीं, बिल्कुल लका धका द्रौपदी नहीं और नहा के द्रौपदी कपड़ा पहिर के चारों भाई बैठे रहते कर पहुंचा थे वे, आज तोर मुरली में का जादू है ना भक्ता ते हाँ बना करना, तोर मुरली में का जादू है ना भक्ता ते हाँ बना करना, भक्ता ते हाँ बना करना मुहार भक्ता ते हाँ बना करना, भक्ता ते हाँ बना करना मुहार भक्ता ते हाँ बना करना, ये तोर मुरली में का जादू है ना
एक आन हा बने दिखाते नहीं। बता महाराज। धर्मराज कथे हाँ द्रौपदी ये कान है बड़ सुंदर दिखत है वो। बिल्कुल। आ ये कान है ठुठुआ दिखत है वे। बिल्कुल। ऐसने फूल लान देते स्वामी नाथ तब दोनों कान हाँ और बड़ सुंदर दिखती सो। बिल्कुल एक ठक फूल ला दे महाराज। अरे धर्मराज कहे द्रौपदी ते कहाँ ले ठन फूल ला पहुँचा ले हाँ और वैसना फूल लाल का था भाई तो हम तो ऐसा फूल आँखें में देखे नहीं यार। बिल्कुल न कान में सुने नहीं यार। बिल्कुल द्रौपदी आई लान दे ते का हो जाती सो। ला दे महाराज। पर ऐसा फूल हम नहीं जानन द्रौपदी। बिल्कुल ले देखे नहीं हन वो। त द्रौपदी हा नकुल सहदेव कथे आई सुना था हो छोटे मन। सुनो महाराज तुम लान देते महाराज ऐसे एक ठम फूल। बिल्कुल हाँ। अरे नकुल सहदेव कहे द्रौपदी जब बड़े भैया ला मालूम नहीं है ये फूल के बारे में तो हम कहाँ लावो। बिल्कुल द्रौपदी आई का होती सो एक ठल लान देते तो दोनों कान बहुत सुंदर दीती सही है कान नहीं फफा थे को कनी गई मान से। बिल्कुल नकुल सहदेव कहते ऐसा फूल हम नहीं देखें भाई। बिल्कुल ते हट मत कर द्रौपदी। भीमसेन लगते आजी आई तू मन लान दे नया। बिल्कुल महाराज का बात तुहर भुजा में के भुजा में 10,000 हाथी के ताकत और पताल लोक में गे शंकर भगवान संत तो हार गे स्वामीनाथ। बिल्कुल पताल एंड बंगाला काला के थे पताल लोक। अरे धरती के नीचे नांग लोग खेरागी जी हाँ नांगे नांग के बस्ती है अजा वही ला पताल लोग कथे। अच्छा हमार घर के पताल ला ढूंढिया ला पेटेरी छे। अरे वैसा नहीं तू मन लान दे महाराज इसने एक ठम फूलो मन तो नहीं लान कथे। जाओ महाराज। अरे भीमसेन कहे द्रौपदी हम ऐसा फूल आखिर देखे नहीं है और न कान में सुने नहीं है और ते फूल लान दे के हट कर थसवा और ये बोले ठीक नहीं लगे भाई। बिल्कुल द्रौपदी एक स्थिति कथे ना राज हट और स्त्री हट और ये बाल हट ये तीनों हट है एक जे राजा हा जगल कब्जा करना चाहिए यहाँ नहीं अदालत दे पैसा कुड़ो ही और अदालत दे पैसा कुड़ो के जमीन अपन नाम में रखी है ये हरे राज हट। राज हट और स्त्री हट ला जानता बेंजो वाले नहीं जानो आई कहाँ जा था ये बाजार जा था बालों के आई एक ठन लाल लुगड़ा सन बा लाल पोलखा ले आते का मिचिंग की थे आजकल मिचकी तो पैसा तो नहीं हो और दाई घर गे रहे नतीजा 20 रुपया दे है और आओ बाजार भेज दी और कोई इस घर में ना पड़ोसी में लगा का आई हमारा घर गुड्डू बाबू बाजार गए है लालच के पोलखा मंगा हूँ कथे कथे और कोई बाजार ले आगे चल तो गोर धोवा पानी दे दे था नहीं कहे माई लोग इन मन हाँ वो धक्का लगकर जाके झोरा टमर ही आई देखाओ कैसा कपड़ा आज रंग फर्क मत पड़े मोर थे तुम्हें मोटर में जाता हूँ मोटर ले उतरे होटल में खुसरे और घर में आग बाइल कुचरे की थी तबला वाले इसने करते बिया है ये हा स्त्री हटे स्त्री हट ल मनाना मुश्किल जाते भैया नारी से देवता हरी देवता सर हतार के मनुष्य कौन पूछे तजी अब बाल हट लड़का मन पहने उठिन ता दाई है काय रे रोटी देना ता रोटी इतनी पोहा रे पोहा तब होल दे फिर नहीं पोहा तब होल दे तजी वो लड़का मन के जिद ल देखी ही अब माई लोग इन मन हा कंकिल धार के जाता हम बैठी जाता हम कागबार बैठू जहाँ तक बगल में बैठू तभी पिसा ही। अरे नहीं हो पिसान पिसवे रोटी रान बता लेका मन भूला थे हाँ ये हरे बाल हट बाल हट। अरे भीमसेन कहे द्रौपदी ते महान हट कर थसवो। बिल्कुल द्रौपदी ऐसा फूल में आखिर देखे नहीं न कान में सुने नहीं हाँ हाँ अब ते फूल ला दे कथा हाँ आज के दिन में कोई मोराजुर पति रतिस ना तू मल्ला मनात लेनी लगती सो। बिल्कुल महाराज एक ठल कौन कहा 10 ठप फूल लाने तादी पर अर्जुन हने ये ते कर सती मनावत ले हो गए हैं। बिल्कुल महाराज ये बात ला सुनी तो भीमसेन कहे द्रौपदी अरे ते अर्जुन के बड़ाई करे हाँ जी अर्जुन के प्रशंसा करे मोला इसने समझ ले वो ते मोला इसने समझ ले अरे एक एक भुजा में 10,000 हाथी के ताकत है द्रौपदी। बिल्कुल अरे ते मोला निबल समझे तो जब तक से मैं फूल खोज के नहीं आऊ द्रौपदी मैं तो सामने मिली आओ कहे आज भीमसेन ला अपन ताकत के घमंड हो गए
रागी यहो में तीन प्रकार के घमंड है। सबसे पहली धन के घमंड और दूसरिया घमंड ताकत के घमंड और तीसरिया घमंड रूप के घमंड। रूप के घमंड जी तीन प्रकार के घमंड होते यहू में। भीमसेन अपन ताकत के अभिमान है, अपन ताकत के घमंड है। अरे जब तक से मैं फूल लेके नहीं आऊं द्रौपदी माँ तो सामने में नहीं आऊं कहे तब आइए दे भीम जी मोर चला छाए जंगल में अपन ताकत के घमन लेके चलत रहे कि मैं भीमसेन क्षत्रिय एक भुजा में 10,000 हाथी के ताकत है। एक साधारण बाई मोला चिर चबाई। अरे मैं फूल लाऊं तबे द्रौपदी के सामने में सकल देखाऊं और नहीं तो नहीं जाऊं। भीमसेन ले घमंड रहे ना ओला जंगल में सुंदरी हनुमान जी महाराज। हनुमान जी सोचे ये भीमसेन अपन ताकत के घमंड है और भीमसेन ले घमंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो आज मैं भीम के घमंड ला दूर करूं। ये सोच के हनुमान जी जेल रास्ता में भीमसेन जावत रहा वही रास्ता में हनुमान जी बैठ के अपन शरीर ला बुढ़ा के रूप बना के बुढ़ा के रूप बना के अपन पूछे ला माँ के बैठ के रास्ता में। ये रहा तो भीमसेन घुस्सा के मारे चलत रहा रटपीट रटपीट काबर। एक तो बेटा जात में नदन जरूरी काम रहते ना उकर रेंगई अल कर चल थे रागी उकर डंका माई लोग दौड़े लग जाते काबर उकर रेंगे नहीं पूरा न हमन नहीं पूरो तुमन हमर मनसर कहा पूर हो तुम्हार डंका ओतका बेर के ज्यादा रिथे जब भाग के जाय बारी थे ता। अरे ओकर बात ला छोड़ दादी ओतका बेर के सूर्य अलग रिथे भगेली मन के भीम से रटपीट रटपीट जावत रहा है। रास्ता में हनुमान जी बैठे रहे तब भीम से कहे ए बंदर अरे कौन आदमी आते मालूम नहीं रे। बिल्कुल रास्ता में बैठ गए रास्ता पूछी ला मांग बैठ गए हर जगह रास्ता से। बिल्कुल भैया अरे हनुमान जी कहते भैया सियाना शरीर भैया पूछी हटाए हिम्मत नहीं है। अरे तोला जल्दी जरूरी है ते पूछी हटा दे अते न हट जा। बिल्कुल भैया भीमसेन कहे देख रे बंदर बात मान जा एक तो द्रौपदी मोला पानी चढ़ा है गुस्सा चढ़े है मोर अरे ते पूछी हटाल कथस रे एक हाथ में धरू बिल्कुल सिधाई से मेरे को जाने दो तोर हाड़ा गोड़ा पता नहीं चली। अरे सिधाई से हरदे जी बात मान जा अरे हरदे यार एक तो द्रौपदी भड़का दे ना गुस्सा पड़ गए पुछिल हटा दे भैया मोला जावन दे। अरे नहीं भैया मोर शरीर सियाना हो गया पुछी हटाए के ताकत नहीं है। हाँ जी मान जा लाला का नाला Yeah.
जब खींचिस ना 10,000 हाथी के ताकत ला हनुमान जी के लंगूर में लगा दी पर भी 1 इंच ऊपर नहीं आया। भीमसेन का है बंदा आओ आज 10,000 हाथी के ताकत लगा तो पूछी नहीं उठी भीमसेन गदा मरा दी आओ गदा मरा के दोनों हाथ में हनुमान जी के पूछी आज हनुमान जी के पूछी दोनों हाथ में धरी और खींचे दोनों हाथ में जब खींचिस ना तो हनुमान जी के पूछी रहते 1 इंच ऊपर नहीं उठे। ताकत भर हनुमान जी के पूछी कारी पसीना छूटी के शरीर में पसीना शरीर में छूट गए। भीम से नाखिर में हाथ जोड़ के कहे भैया यही भुजा में बड़े बड़े दानों ला मारे हिडम्बा वन जंगल में हिडम्बा दानों मारे चक्र नगर जंगल में बाकासुर दानों मारे आज यही जंगल में कामदत्त नाम के राक्षस मारे मारे भैया पर यार तोरे अंगठा त मोठा पूछी नहीं उठा थे ते कौन देवता हरस और काकर बेटा हरस कौन हरस महाराज तो सही रूप में आ हाथ जोड़ के बोले हनुमान जी कहे भैया तय कौन हरस कहे आज मैं तो माँ कुंती के बेटा भीम से नाऊ आज मोर पिताजी पवन हरे और मोर महतारी कुंती हरे बिल्कुल महाराज और ते कौन हरस महाराज तो रूप में आ जा बता महाराज अपार रूप में हनुमान जी प्रकट होके कहे भीम मोर महतारी अंजनी हरे और मोर पिताजी पवन हरे कहे आज मनमोहन राजा हरि के भजन कमी है बिल्कुल भैया हनुमान जी कहे भैया ते द्वापर में कृष्ण भक्त और ते स्त्री के माया में बंधे द्रौपदी के प्रेम में बंधे भाई एक स्थिति तोर ताकत माया रूपी है कमी हवे बिल्कुल माया के स्थिति पड़े हत भैया अब मैं त्रेता युग के राम भक्त बाल ब्रह्मचारी एक स्थिति मोर ताकत महल है भीम हाथ जोड़ के भीमसेन कहे भैया मैं तो कहत रहे कि मोर सलमान वीर कोई नहीं है कहके बिल्कुल मोर घमंड खत्म हो गए भैया अपन ताकत के मुला अभिमान रही से अपन ताकत के मुला घमंड रही से भाई पर आज मैं तोर ताकत ला देखे भैया मोर घमंड चुरा चूर हो गए बिल्कुल भैया हाथ जोड़ के भीमसेन हनुमान जी ले कहे भैया जब पांडव संकट पर जही हमला संकट पर जही भैया तो हमार रक्षा करे भाई बिल्कुल हनुमान जी कहे भी ते फिकर मत कर मैं हूँ वो कहा था अरे जब भी तुमला जरूरत हो ही जब भी संकट पर ही ते मोला बुला ले मैं आ जाऊँ मैं आ जाऊँ दोनों भाई गला में गला मिला थे दोनों भाई प्रेम में डूबे हवे आज नरे तने जनमा गवाए
जी। आओ जी बनवासी आन भैया। हम ही जंगल में आन भैया। द्रौपदी नदी में नहाए वर्गी से एक ठन कुहूब के फूल पहुँचाए हुए। आओ इतना फूल लाल के जिद करते हैं भैया। तुम्हारे द्रौपदी पर फूल लेके बार आए हूँ। बिल्कुल भैया। हनुमान जी कहे भैया मैं यही फुलवारी के चौकीदार हूँ और वो फूल है उड़ा के की सोही नदी में वाला पहुँचे सोही द्रौपदी है। बिल्कुल। अरे जितना भी फूल के जरूरत है भीम। बिल्कुल। ते फुलवारी से तोड़ के ले जा कहे। ले जा भैया। रागी ये डहर तो भीम से ले तम फूल तोड़ा थे भाई भाई मिला थे वे। और ये डहर जंगल में का हो द्रौपदी धर्मराज नकुल सहदेव समय बितावत है। हाँ जी। और जैन जंगल में समय बितावत रहा वही जंगल में जरा नाम के राक्षस राक्षस रहे। हाँ जी। एक योजन ऊंचा गगरे जैसे आखी अरे सुपा जैसे कान। हाँ जी। ओकर में छा हाँ। अब बोला नहीं जाना भाई खरहेरा बहरिल बड़े रीत सोई। अरे वो महिषे खवैया ओकर नाक में महिषे के सुगंध आ गए जरा राक्षस के। का बात गांजा पिया के नाक में गांजा के सुगंध आते कहाँ गांजा बेचावत हो ही। मोलक बहुत जल्दी आते वो ओकर सुरता मत करा। भारत सरकार बंद कर दे नहीं गांजा चले तो मजा आए। कैसे मंत्र पढ़े लगते गांजा पिए पहली। हाँ। चार जन मिल के बैठे बे। हाँ। गठबे तो चिलम में भरबे तो मंत्र पढ़बे। कैसे बम बम लगे दम तो मिटे गम दुनिया कमाए खाए हम जय चिलम चक्री सास के नाकला बहु कतरी की। ऐसे मंत्र पढ़े लगते गांजा पिए पहली। दारू पिए मन के नाक में दारू के सुगंध आते। हाँ जी। रागी हाँ? वो तो राक्षस चरा राक्षस मई से खाने वाला है। हाँ जी। अरे जरा राक्षस आकाश में जैसे बाज है उठते नहीं वो इसने गिधान के सलमान तब ना 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 ना। अरे आकाश में बाज के सलमान जब उड़ाता है अमर खनन हो जाता है तब गाना जा रहा भैया ये बिल्कुल। जरा राक्षस नीचे में उतर गए तीनों भाई लखाने बैठा रे द्रौपदी लखाने बैठा रे अब बैठा के आकाश में ले गए। राजा धर्मराज कहे हे भैया भीम। भैया भीम आज ते नहीं है भैया तो जरा नाम के राक्षस हम आकाश में उड़ा के ले गए थे। हम मला ले गए थे खाए बर भैया बचा भीम बचा भैया भीम आदि ही जंगल में आवत हो तो प्राण बचा ले मोर भाई। आ भैया भाई भाई धर्मराज चिल्लावे भाई भाई नकुल सहदेव चिल्लावा थे यदि ही जंगल में आवत हो भाई तो हम प्राण ला बचा ले। हाँ। द्रौपदी बचा भी पति बचा बचा स्वामी पति पति द्रौपदी चिल्लावे जंगले भैया या आकाश में जरा राक्षस लेकर रहे राज नारी है तम पति पति के आवाज। द्रौपदी पति पति चिल्लाए बचा भी पति ही जंगल में आते हुए तो हम प्राण ले बचा ले स्वामीनाथ। श्री राम जी डूबा थावे नैया मोला We'll be right back.
भाई भाई धर्मराज चिल्लाए पति पति, जब द्रौपदी चिल्लाए तो भीमसेन फूल लेके आवत रहे वही जंगल में। आजी अरे ये चिल्लावत है बड़े भैया जैसे लगा थे, बचाओ कहते बड़े भैया, ये नारी की आवाज आवत है द्रौपदी चिल्लावत है बचाओ पति बचाओ, बचाओ कहते द्रौपदी की आवाज है। अरे सब राक्षस मार डरे, हाँ ऐसे कौन से राक्षस बचे है जिनमे मोर भाई और मोर पत्नी लधर के भगत है। भीम से मालूम रहा है के जंगल में जरा नाम के राक्षस है बचे हो न हो, ये जरा राक्षस धर के लेगा थे बोला पकड़ के भीम से नवाज देवे। अरे चला रुक जा जरा, किधर तू चला? अरे है मर्द के औलाद रे कायर, भाई के लेगने वाला, भाई के लेगने वाला, भाई के लेगने वाला सामने आ रहा है, बिल्कुल देख लूंगा रे, और नहीं तो बिना मारे रे छोड़ते रे। जरा राक्षस भीम की आवाज ल सुनिस ना तो ऊपर मुढ़ावत रहे थे नीचे मांगे, और नीचे में आके कहा भीम, अरे मैं तू ही चला खोजत रहे रे, तो ही चला खोजत रहे भीम, चार झला लेगत रहे खाऊ चार महीना देखे नहीं लागे के पर तोला लेगू पांच जन हो जही तो पांच महीना देखे नहीं लागे, बिल्कुल तेरे को खाऊंगा बेटा। तब आया जाइए दे भीम आई भीम, अरे मोर से वीर कोई नहीं रे, ये जंगल में 20 साल हो गए कोई मन खेले आए, भीम सेल के पार और पार खींच के जरा राक्षस घुमा के पटकट के भीम सेल के गोल धरे गोल जब मुड़ के टे ना हाथ ना मुड़ के टे भीमसेन के दिमाग खराब हो गए, जब के मार पड़े ना उसका भीमसेन के बदन सोहारी रोटी से काबर, भीम के पास भी माया धारी है, अपन रूपला छोटे भी बनावे और अपन रूपला बड़े घला बना डरे, भीमसेन मार के झटका और झटका मार के भीम से रहते ना का बतावा मुहानिया Thank you.
जरा राक्षस के शरीर निबल हो जाए, गोड़ पाए तो गोड़ हाथ के तोड़े, हाथ पाए तो हाथ तला तोड़े। हाँ जी रागी, और धरती में गिरा के अरे उठाए सौ मन के गदा, और सौ मन के गदा उठा के मारे मस्तक, जरा राक्षस के मस्तक फट गए, नाक और मुंह डाले खुल के धार फेंके। रागी अरे भीमसेन का है लेना, उसका भी ले गर्जत रहे, अब खड़ा हो रहा है, ले बेटा अब लड़ाई कर। आज अरे वो तो मर गए जरा राक्षस, आज काला लड़ाई कर ही, पर धर्मराज के थे भैया, आज तेरे है तो हम प्राण बच गए भाई, बिल्कुल भैया, अब तेरी रीते जरा राक्षस समझला ना जाने ऊपर पहाड़ में लेके खाड़ती समझला। धन्य भैया, धन्य है तो ताकत ला भाई। हाँ जी द्रौपदी के है स्वामीनाथ। हाँ जी ते नहीं रीते महाराज, तो आज हमारा बिना खाए बिना नहीं छोड़ती से राक्षस। बिल्कुल महाराज, तेरे है तो हम प्राण बच गए स्वामीनाथ। हाँ जी भीमसेन का है द्रौपदी, ये जंगल के कारोबार है भाई, बिल्कुल ना जाने कक्का रे वो तेंदुआ ही राक्षस ही। हाँ जी आज के बाद चेत जा की मोला कोई डहर मत भेजवे, बिल्कुल जब तक से हमारे 13 साल के बनवासी पुरानी हुई मोला कोई डहर मत भेजवे। बिल्कुल द्रौपदी, द्रौपदी कहे महाराज जब तक से बनवासी पुरानी हुई स्वामीनाथ में कोई डहर नहीं भेजा कहे, एक तो फूल द्रौपदी ला देवे और कान में खोज लेवे। पांडव जंगल में समय बितावा थे चारों भाई, फल फलहारी मिले तो खावे और नहीं मिले तो पांडव लांघर रहे। गैया वाले गैया लगा थे वे। आज 33 कोटी देवता देवस्त्रय अर्जुन सिखावा थे वे। आज सरसों सागरे बांधिले जीतलिए हनुमान, सूर्यपुरी नलपुरी नांगेपुरी और नहीं पारथी के सवाल। देव राजेंद्र है तो कहे अर्जुन आज तोर बाण के काटने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है अर्जुन। बिल्कुल बेटा, ऐसे नाना प्रकार के हम आप लोग धनुर्विद्या सिखाए हैं बेटा। उर्वशी सोचे दाई, हाँ जी जय दिल अर्जुन आ है मन में पति माने हाँ। हाँ दाई, पर एक दिन मुलाकात नहीं हो है वो अर्जुन से मिले नहीं हो दाई, अब अर्जुन के जाए के नंबर भी आगे दाई। हाँ जी मन में पति माने है एक दिन गोठियाई नहीं हूँ। हाँ जी कब मुलाकात हो जाती, कब मुला चरल के दासी बना लेती। हाँ ये सोचत रहे उर्वशी और जाही तहले, आज मैं सोचे है पति बनाए बर दाई, वो मर्मन इच्छा पूरा नहीं हुई। हाँ जी रात्रि के समय अर्जुन के नींद परे रहे लागी, उर्वशी माई लोगिन के सवांगा पहरे 16 सिंगार गहना चढ़ावे उर्वशी, और आधा रात्रि के समय अर्जुन के भवन की ओर चले उर्वशी है तेरा। हाँ जी तो लजाना परे ना, तो लजाना परे ना, ये कायला Oh,
राजा छोड़े राज महले रानी छोड़े कबला जाले लगे राजा छोड़े राज महले रानी छोड़े रन मासे सारी मायाला छोड़ के जाई जाना है स्वर्ग महाले तोला जाना नारी के आवाज अर्जुन के कान में सहन नहीं हुए अर्जुन उर्वशी के आवाज ले सुने रख मखाई के अर्जुन से और आखिर रमजत कौन माई लोगन ले दुख पर गए जे में रात की सवा मोर दरवाजा में आए हमें कौन माई लोगन ले भाई जाके अर्जुन और पटा के आखिर रमजत दरवाजा खोल के देखे तो उर्वशी 16 सिंगार के गहना चढ़ाए हाँ जी दरवाजा में खड़े देख के अर्जुन हाथ जोड़ के कहे माँ ये रात की समय आए के कारण का है माँ का करण रात के समय आज बता माँ अभी जैन तोड़ा लाल आखी देखा हो दाई बिल्कुल माँ तो मैया खेल का जो कहे बता किसने क्या बोला तेरे को और जैन तोड़ा उंगली देखा हो माँ तो मैं हाथ काट के रखू बता कौन का बोले हम हैं और अभी जैन तो जबान से कुछ बोले हुई माँ तो मैं जबान काट के रखे कहे बता उर्वशी कहे अर्जुन देवता लोक में किसी के भुजा में ताकत नहीं है जिनमें उर्वशी ला गलत शब्द बोले और उंगली दिखावे और लाल आखी दिखावे पर अर्जुन कहे माँ जब तक कोई कुछ नहीं बोले हदाई तो रात की समय आए के कारण का हवे उर्वशी कहे अर्जुन जे दिन ते देवता लोक में आए हंसना वो दिन मैं तोला पति माने हैं अर्जुन बिल्कुल महाराज आज मैं चरण के दासी बना ले अर्जुन आज मैं वीर पति तोला मान ले हूँ तो ये दुनिया में मोर नाम चल रही आज अर्जुन यही आशा लेके मैं आए हैं अर्जुन है जी अर्जुन ये दुनिया में वीर पति मान ले हूँ दुनिया में नाम चल है अर्जुन आज मोला तोर निशानी बेटा चाहिए आज ये तोर निशानी बेटा होना है अर्जुन मोला अपन चरण के दासी बना ले कहे अर्जुन मोला वीर बेटा दे दे अर्जुन ये बात ना जब सुनीस ना तो अर्जुन बोले माँ ये आज मैं मर के नहीं गई हूँ कहे माता आज मोला का कलंक लगा देता ये दुनिया में बदनाम होगी माँ जतका भी देवता लोक में मर्द है देवता है सब पिता के सम्मान है माँ और जतका भी देवता लोक में स्त्री जाती है ये मोर सब माता के सम्मान है दाई बिल्कुल माँ आज ते मोल का कलंक लगा दे दाई ये दुनिया में बदनाम कर देवे कहे माँ आज मैं तुरा चरण के दास से नहीं माना कहे माता मत तो माता के सम्मान माने हम और दाई ये दुनिया में बदनाम हो जाए अर्जुन मान गए अर्जुन आज जन में आशा लेके आए हैं अर्जुन आज मेरी इच्छा पूरा कर दे अर्जुन मोर चरण के दासी बना ले बोला वीर बेटा होना है अर्जुन तोर निशानी अर्जुन हाथ जोड़ के कहे हाथ ये जोड़े माता बोला ना लगे बोला वीर बेटा चाहिए माँ ते पर लमा के बढ़ जा दाई अब पर लमा मोला अपन कोरा में बैठा ले माँ आज साता ये धारे साई तू सब पिया दे मोला वो पी जाए देता मोला सात धार के मोला दूध पिया दे दाई ये दुनिया में मोला वीर बेटा मान ले दाई धन्य हो जाही तो जीवन हा मैं कुंतीज के बेटा नहीं दाई मैं तोरो बेटा हरो माँ या या ये सूदे मैया मोला ये मेरा दूध क्या दे माँ मेरा वीर बेटा मान ले
हाँ जी दुनिया में आज बोला पिया के तमाले मैया वो तो आई है रामाये बिल्कुल महाराज तोला घमंड है पर रूप के हाँ जी अर्जुन हाँ आज ते सुन मोस्त्रा अपना हाँ जी तय अपन चरण के दासी नहीं बनाओ कहा था हाँ तो जा मोस्त्रा पे अर्जुन हाँ एक साल के लिए निपुस्तक हो जा हाँ ना तो स्त्री में ना पुरुष में हाँ जेन आशा लेके आए है अर्जुन आज मन आशा निराश करे हस तो जा एक साल के लिए पुस्तक हो जा ना तो स्त्री में ना पुरुष में पुरुष में आओ काबर उर्वशी देव कन्या आओ उर्वशी के श्राप तो अर्जुन लग गए उर्वशी श्राप दे के अपन भवन में चले गए आओ आधा रात्रि के समय अर्जुन उठे और उठ करके देव राजेंद्र के भवन में चले गए हाँ जी देव राजेंद्र सो रहे हाँ घना घोर नींद में हाँ अर्जुन जाके देव राजेंद्र बोले पिताजी तब बेटा के आवाज ल सुन के देव राजेंद्र सोचे रात के समय का दुख कपड़ के जे में अर्जुन मोर दरवाजा में आए हैं हाँ जी रखमखाए के उठ गए हाँ और देव राजेंद्र है दरवाजा खोल के देखे अर्जुन हाँ आज सातवां साल लगे मजा थे बेटा हाँ रात के समय का बरा हसी अर्जुन का कराना है बता बेटा अर्जुन हाथ जोड़ के कहे पिताजी हाँ आज उर्वशी मुला बिना कारण के कारण श्राप दे पिताजी ने पुस्तक के श्राप दे दी से एक वर्ष के लिए ना तो स्त्री में ना पुरुष में कहे हाँ देव राजेंद्र कहे अर्जुन हाँ उर्वशी के हिम्मत हाँ बिना कारण के कारण तो श्राप देने वाला कौन है कहे उर्वशी हाँ जी अर्जुन कहे मैं क्या बताऊं पिताजी हाँ आज मतलब बिना कारण के कारण श्राप दे बाबा आज मैं तो चरण में आए पिताजी बाबा तोरी चरण में आए आज मैं तोर कोरा में आ पिताजी बिना गलती के मुड़ उर्वशी श्राप दे नि पुस्तक के हाँ जी पिता तोरी चरण में आए काबर नहीं सारे Yeah.
देवे और उर्वशी ला समाज बुला के देवराज इंद्र बोले उर्वशी बिना कारण के कारण बेटा अर्जुन श्राप देने वाला ते कौन होता कहे हाँ जी या तो श्राप ला वापस ले और नहीं तो देवता लोक छोड़ दो बोले बिल्कुल हाथ जोड़ के उर्वशी कहे महाराज मैं तो देव कन्या हूँ छूटे हुए तीर वापस नहीं आए बिल्कुल वही प्रकार जिन मोर जवान निकल के महाराज वापस नहीं हो सके अर्जुन ला श्राप भी दे और मोर श्राप में अर्जुन के कल्याण भी है महाराज वाला आशीर्वाद भी मिले हुए बिल्कुल एक वर्ष तक तो गुप्त बनवासी काट ही पांडव तो वही गुप्त बनवासी में अर्जुन छिपे के काम पर ही माई लोगन के भेष में माई लोगन नारी के भेष में एक साल तक ले अर्जुन समय बिता ही महाराज कोई पता नहीं पावे तो मोर श्राप में कारण है आशीर्वाद भी दे है अर्जुन ला और श्राप घलो दे हूँ हाँ अर्जुन कहे धन्य है माँ तो श्राप में बहुत बड़े कारण है माँ हाँ जी एक वर्ष तक गुप्ता बनवासी काटे के आदेश दे है दुर्योधन तो ही में नारी के भेष में छुपे के काम पर ही हमला हाँ जी अर्जुन है तन उर्वशी के प्रणाम करे हाँ जी देव राजेंद्र कहे मातली हाँ एक तो अर्जुन लम्बा देवता लोक में लाए हैं धर्मराज ले मालूम नहीं है बिल्कुल 7 साल हो गए भैया चिंता का थोही हाँ जी फिकर का थोही काबर चिंता या चिता हाँ मरे महसे ला चिता है जलाते और जिया तो महसे ला चिंता है जलाते बिल्कुल भैया चिंता नहीं करना चाहिए चिंता बीमारी डॉक्टर घलो फल खा डर थरागी डॉक्टर भी पार नहीं पावे नहीं जाने चिंता नहीं करना चाहिए धर्मराज ने चिंता का थोही एक स्थिति मैं अर्जुन देव लोक से लेना चाहता हूँ 7 साल ले अर्जुन देव सिखाई के बाद में देव राजेंद्र अभिमाने बैठा रे अभिमाने बैठा के अर्जुन जहाँ धर्मराज नकुल सहदेव जंगल में समय बितावा थे उहे रथ में बैठा के तब चला ना लागे धर्मराज का देवराज इंद्र कहे अर्जुन आज अर्जुन मोर करी धर्मराज चिंता करे के कोई बात नहीं अर्जुन भगवान शंकर ले पूजा करके शंकर देवता ले प्राप्त करके अर्जुन पशु पात्र बांध ले हवे बिल्कुल बेटा 7 साल ले देवता लोक में अर्जुन ले देह अस्त्र सिखाए हूँ अब कोई बात के चिंता नहीं बिल्कुल बेटा रागी धर्मराज कहे धन्य पिताजी मोर भाई अर्जुन ऐसे बांधारी बनाए के दुनिया में नाम चले के नहीं बेटा 7 साल हो गए चिंता का थोड़ी के पहुँचाए बार आए होगा बिल्कुल अब बोला ज्यादा समय रुके के समय नहीं है बेटा कांवर के देवता लोक ले घलो देखे लगते अरे विदा दो पांचो भाई पांडो द्रौपदी सहित देवराज इंद्र देवता लोक के लिए विदा देवा थे वे पांचो भाई पांडो जंगल में समय बितावा थे फल फलहारी मिले तो खावे और नहीं मिले तो लांघन पड़े रहे भुगतो रे नरकराम बिहारा और हरि को दो से मत दे कोई दिन पसेहे चाउर मिले पसेहे चाउर खावे कोई दिन जंगल में भाजी मिले तो भाजी लोग रान के खाए ए डहर समय जब बीतीस ना तो धर्मराज कहे द्रौपदी ये आस पास के जत्ता जंगल में कांडारी सब ला खोज खोज के खाट रहे नो
द्रौपदी हाँ जी आई आस पास जंगल में कांदा नहीं है हाँ एका शेती ते एक अकेला रह रहा हाँ हमन दूसरा जंगल में कांदा खोजे बजावा था हाँ जी कांदा खोज के लाबो सब हमन भोजन पानी करबो हाँ जी एक अकेला द्रौपदी ले छोड़ दी हाँ और पांचों भाई पांडव जंगल में कांदा खोजे वाल निकल गए हवे हाँ एतरा सिंध देश में जद्रा सोचे हाँ चलना चाहिए ससुराल अरे अरबर दिन हो गए सारा डेढ़ सारा देखे नहीं हाँ द्रियोधन मन का भूता करत है तो देख के आ जाओ जाना चाहिए सिंध देश से जद्रस तैयारी होवे छाती में कवच भुजा में परत कान में कुंडल लगावे और जद्रस रहे तेन हाँ रथ ये दे भैया ये तैयारी भैया मतलब कोनो का जा का बिना तो मूड नहीं खाए और यदि ससुराल जाए कि नाम हो ही ना का पूछे देश सासला हाँ जी वही प्रकार के जद्रा से है तो हसीना नगर में ससुराल जाए बार तैयारी रथ ये तैयारी ये देख आवा लागे भाई ये घोड़ा के लगाने घोड़ा के लगाने बर्तन में पानी रहे बिचारे फेंके हो गए के कुटिया के बाहर में या गया ये सैरी कितना सुंदर है बिचारी अति घना हो जंगल में अति सुंदरी नारी एक लड़की हाँ। एक माई लोगिन हाँ। और घर देखो तो झोपड़ी हाँ जी काकर घर के बाई ये कौन है आइए कौन है हाँ। रथला रोक ली हाँ। और जद्रस खड़ा होके देखा थे हाँ जी द्रौपदी का थे ये छतरी जैसे लगते हाँ जी राजा जैसे लगते पर का निगाह मतलब ठीक नहीं लगा थे बिल्कुल आई कहूँ माई लोग देखे नहीं है आप कैसे है माई लोग देखा थे बिल्कुल नहीं द्रौपदी पानी फटिक दी और अंदर डहर चले गए हाँ जी अंदर के भीतरी में काला का अरे डहर सोचे जद्रस काका घर के भाई ये पता लगाना चाहिए ससुराल आज नहीं काली जाऊं तब बन जाए बिल्कुल पूछना चाहिए बिचारी ला रथ ले उतर गए और उतर के जद्रस से है ते द्रौपदी के कुटिया डहर चली हाँ जी और दुरिहाल देखे द्रौपदी का थे हाँ जी ये था मन नंदोई भाई हो हाँ यहाँ जद्रस आया थे जद्रस भैया आवा थे हाँ जी बैठ भैया बैठ गया बैठ बैठ भैया पांडव मन दूसरा जंगल में कांदा खोजे पर गए भैया यहाँ बैठेगा हाँ जी या मैं कोनो दूसरा हो कहत रहे द्रौपदी तो तुम ही जंगल में समय बितावा था वा हाँ भैया हम ही जंगल में समय बितावा थंगा पांडव मन दूसरा जंगल में कांदा खोजे पर गए है बिल्कुल भैया जद्रस कहे द्रौपदी उतका बड़े राजघराना के लड़की पंचाल नरेश राजा द्रौपद के बेटी एक जन द्रौपदी हरते हैं हाँ जी और जे दिन पांडव राजा रही ते दिन में राजा रही द्रौपदी अब पांडव गरीब हो गए बिल्कुल द्रौपदी पांडव जंगल में भटका थे द्रौपदी अब ये पांडव ला छोड़ और ते मोर घर चल रानी बन में द्रौपदी राजमाता कहो अबे हाँ जी अरे मोर यहाँ जावे तो बैठे बैठे खावे द्रौपदी हाँ जी यहाँ कहा पांडव के संग में दर दर में भटका था ठोकर खावा था हाँ जी द्रौपदी कहे जद्रस हाँ राजा के घर में जन्म लेके राजा जैसे बात नहीं कर जद्रस तो काया जैसे बात करता भैया हाँ जी
मोर पति चाहे गरीब रहे चाहे कुछ भी रहे कहे, मैं अपन पति के सेवा करूँ जंगल में भले मर जाऊँ जद्रास, पर ये बात तो शोभा नहीं दे जद्रास। बिल्कुल महाराज। जद्रास कहे द्रौपदी मैं तो दुख ला देखा तेकर सती बोला था। बिल्कुल द्रौपदी। अरे मोर घर ते चल छोड़े पांडव के संगला। हाँ जी रानी बन कृपे द्रौपदी। द्रौपदी कहे जद्रास आदि मोर भैया पांडव माना ही तो बिना मारे तो ला नहीं छोड़े। बिल्कुल महाराज। अरे द्रौपदी पांडव माना ही कथा पांडव तो पांडव पांडव के आवाज हनी पहुँचे कहे। हाँ सिधाई से नहीं जाबे द्रौपदी तो मैं तुला घसीट के ले जाऊंगा। ले जाऊंगा। हाँ जी सरस्वती मैया ने कही था आई बिना के बजैया भगवान की बोलिए पवन सूत हनुमान की।